हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के 9000 वैकेंसीज लेके इस बार बढ़िया भर्ती निकली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। रेलवे के अंदर ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। इस बार रेलवे की तरफ से ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, चलिए देख लेते पूरा जानकारी किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। इस बार रेलवे की तरफ से जोन वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ग्रुप डी के अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते। टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो पोस्ट निकली है जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकली है, इसमें आप लोगों को ग्रुप डी के लिए एप्लीकेशन करने की मौका दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से। रेलवे की इस बार की जो भर्ती निकली है, इसमें सैलरी भी आपको कितना दिया जाए उसका भी डिटेल मेंशन किया गया है। ग्रेड 1 के लिए 29,000, ग्रेड 3 के लिए 19,900 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी भी दिया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले उसका भी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊँगा। वो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए सिग्नल के लिए 18 से 36 ईयर्स तक की एप्लीकेशन करने की मौका दिया जा रहा है। एंड 18 से 33 ईयर्स तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एप्लीकेशन करने की मौका आपको दिया जा रहा है। एप्लीकेशन करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते 18 से 36 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, अभी इसमें अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी है तो आपको 36+3 ईयर टोटल 39 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते। अगर इसमें कोई SC ST कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते 36 ईयर प्लस 5 टोटल 41 ईयर्स तक एप्लीकेशन करने की मौका दिया जाएगा। सेम तरीके से अगर आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे भी ओबीसी के लिए 33+3 टोटल 36 ईयर्स तक। एंड अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो ओबीसी एंड सॉरी SC ST तो 5 ईयर्स प्लस 38 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन करने की मौका दिया जा रहा है। इन दोनों पोस्ट ग्रुप डी के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे, टेक्नीशियन के लिए 1092 वैकेंसीज़ है। एंड अगर आप लोग देखोगे फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 8,552 वैकेंसीज़, टोटल 9,144 वैकेंसीज़ रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इस बार की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की मौका आपको दिया जा रहा है। ऑनलाइन में आप लोग एप्लीकेशन करने की मौका दिया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। इंडियन रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की मौका दिया जा रहा है, इसके लिए आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को और एक बात बताऊँगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा, आपके पास होना चाहिए, देन आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँगा,
एप्लीकेशन करने के लिए कैंडिडेट को 10th एंड ITI और ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करने की मौका दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप 10th विद ITI पास है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करने की मौका आपको दिया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको भरना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़, SC ST एक्स सर्विसमैन वुमेन PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ रहा है। आपको जो है ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन में भेजना होगा। ऑनलाइन में आपको इस एप्लीकेशन फ़ीस को भेजना होगा। ऑनलाइन में जाके आपको एप्लीकेशन फ़ीस देने के बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिया, अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए CBD एग्ज़ाम इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। CBD एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। CBD एग्ज़ाम देने के लिए जो सिलेबस है उसको भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस बार CBD के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो CBD एग्ज़ाम के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और भी बहुत सारे होने वाला है। रिक्रूटमेंट के लिए देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। CBD एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन होने वाला है, 90 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। जिसमें अगर आप लोग देखोगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, इन सारे चीज़ों को लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो यही था आज के वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हो।